उज्जैन संभाग के अंदर करीब 6 जिले आते हैं जहां पर बिजली व्यवस्था कर्मचारी संभालते हैं। विभाग में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी को कई बार बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर राज्य सरकार के निर्देश के बाद उज्जैन संभाग में MPEB में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह काम करते समय स्वयं को सुरक्षित रखें, साथ ही काम करने वाले कर्मचारी भी सुरक्षित रहें और बिजली विभाग का काम भी सही तरीके से हो, काम करने के दौरान दिक्कत समस्या परेशानी ना हो और बचा जा सके, उसी को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां पर उज्जैन संभाग में काम करने वाले कार्यरत बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उज्जैन रीजन के अंतर्गत भारत सरकार REC विभाग, भारत सरकार का REC ग्रामीण विद्युतीकरण अभिकरण के द्वारा लाइनमैन, ऑपरेटर और JEE की ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम लगातार चलाया जा रहा है, जो कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत भी हमारे बैच चल रहे हैं और प्रत्येक बैच में 7 जिलों से चयनित एग्जैक्ट 25 कर्मचारी का चयन करके ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और विषय विशेषज्ञों के द्वारा उन्हें अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग दी जाती है। मुख्यतया विद्युत से स्वयं की सुरक्षा, कार्य करते समय अपने स्वयं और साथी की सुरक्षा, आमजन की सुरक्षा एवं अपने सिस्टम की सुरक्षा रखते हुए विद्युत संबंधित कार्यों को कम समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कैसे किया जाए और स्किलनेस कैसे बढ़ाई जाए, इस विषय में यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा बना हुआ है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का, यहाँ पर ट्रेनिंग में इनको प्रशिक्षित किया जाता है ताकि ये फील्ड में जाके अपने अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और स्किलनेस के साथ कंप्लीट कर सकें। बताइए किस प्रकार से ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और क्या इनकी मंशा है और किस प्रकार से क्या है? ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उज्जैन रीजन में भारत सरकार का एक उपक्रम है, ग्रामीण विद्युतीकरण विकास अधिकरण, इसके द्वारा अलग अलग विषयों पर अलग अलग कर्मचारी हेतु तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसका प्रशिक्षण हम जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है 2 दिवसीय, 4 दिवसीय, 3 दिवसीय दे रहे हैं अलग अलग विषयों पर। उसमें हमारे लाइन कर्मचारी हैं, परीक्षण सहायक हैं, कनिष्ठ यंत्री वर्ग है और सहायक यंत्री और उससे उच्च वर्ग के लोगों को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण में पूरी व्यवस्था भारत सरकार और हमारी कंपनी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्युत वितरण व्यवस्था जो है व्यावसायिक है और इस व्यावसायिक व्यवस्थाओं को किस तरह से हमें आगे चलाना है और कंपनियों को किस तरह से लॉस से उबारना है और नई उपभोक्ताओं के हित में जो नीतियाँ आ रही हैं उनको कैसे लागू करना है। इसमें खास करके स्मार्ट मीटरिंग, बिलिंग और ट्रांसफॉर्म मेंटेनेंस शेड्यूल कम समय में अधिक से अधिक काम करके विद्युत व्यवस्था को ज़्यादा सुदृढ़ बनाए रखना और विद्युत व्यवस्था 24 घंटे निरंतर देते रहना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये प्रशिक्षण हमारा पिछले 14 बैचों में दिया जा रहा है जो पिछले जनवरी से चालू हुआ है और 18 मार्च तक खत्म हो जाएगा। इसमें सभी वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हुए हैं और इसमें पूरे उज्जैन संभाग के समस्त जिलों से चयनित किए गए हैं 25 कर्मचारी हर बैच में। तो ये प्रशिक्षण जारी है, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर भी जो है इसमें व्यवस्था की गई थी प्रशिक्षण की, इसमें सुरक्षा की विशेष महत्व रखा गया कि सुरक्षा कैसे की जाए विद्युत व्यवस्थाओं को, विद्युत संचरण संधारण में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।